दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 यूजर्स के लिए खुशखबरी है क्योंकि अभी अभी एक लेटेस्ट और सबसे बड़ा अपडेट अभी सैमसंग गैलेक्सी A50 को मिला है। हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस अपडेट से आपके फोन को क्या फायदा होने वाला है। बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी A50 की सबसे बड़ी जो कमी थी वो था उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब कहने को तो वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर था, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो था। मुझे पर्सनली सैमसंग A50 का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो सारे डिवाइसेस से ज्यादा स्लो लगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो काफी स्लो था, बहुत ज्यादा टाइम लेता था खुलने में। तो इस अपडेट का जो मेजर फोकस है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर को फास्ट बनाने पे है। तो यहाँ पे अभी देख सकती हो मैंने अपडेट नहीं कराया डिवाइस को और फिंगरप्रिंट खुलने में कितना टाइम ले रहा है, देख सकते हो आप अपनी आंखों के सामने। डिवाइस खुलने में काफ़ी टाइम लेता है, कई बार एक बार में हो जाता है, कई बार एक बार में नहीं होता है, और 80% ऑफ द टाइम एक बार में नहीं होता है। तो हम अपडेट कर लेते हैं एक बार। साथ ही के साथ इस अपडेट में आपको ऑगस्ट का सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है, जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी का ऑगस्ट का सिक्योरिटी पैच लेवल है। तो ये भी चीज़ अच्छी है कि आपका डिवाइस अप टू डेट रहता है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी बिल्कुल भी आगे चल के। तो अब हम सैमसंग को यहाँ पे देख सकते हो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों वैसे सैमसंग गैलेक्सी A50 मुझे तो काफ़ी अच्छा डिवाइस लगा था इसके प्राइस ब्रैकेट में, बट कमी यही थी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देने के चक्कर में इनका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। अगर ये फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देते तो मुझे लगता है स्पीड उतनी ख़राब नहीं रहती, कैपेसिटी फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से जो स्पीड है वो अच्छी रहती, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से स्पीड खराब हो गई है। तो डिवाइस यहाँ पे अपडेट हो चुका है और आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन में इसने मुझे बोल दिया है कि फिंगरप्रिंट्स दोबारा रजिस्टर करो। तो इससे आप समझ सकते हो कि अपडेट का जो मेजर फोकस है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर ही है, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर को फास्ट बनाएगा। अब कितना फास्ट वो तो हम थोड़ी देर में देख ही लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ सारे फिंगरप्रिंट्स। मैं क्या रिमूव करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर चुका है। अब आपको दोबारा से रजिस्टर करने हैं, यहाँ पे अपना पिन पैटर्न या पासवर्ड कुछ भी डालिए, उसके बाद अपनी फिंगर को रजिस्टर कर लीजिए। मैं यहाँ पे अपने राइट थंब को रजिस्टर कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो रजिस्टर करने में तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा, ऐसे ही रजिस्टर पहले करा था और ऐसे ही अभी करा है, बट देखते हैं लॉक स्क्रीन खुलने में कितना डिफरेंस आया है अपडेट के बाद डिवाइस को। तो यहाँ पे हम फ़ोन को लॉक करके देख लेते हैं और अब मैं इस फ़ोन को अनलॉक करने वाला हूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर मेथड की वजह से। तो देख सकते हो अनलॉक तो हो गया और थोड़ा फास्ट मुझे लगा भी, लेकिन उतना फास्ट नहीं है कि अपडेट जितना हाई है उस हिसाब से फास्ट नहीं है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आप देख सकते हो 1 अगस्त 2019 का हो गया है, लेकिन ये और फास्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है फिंगरप्रिंट स्कैनर पे थोड़ा और ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि इस डिवाइस में कोई कमी नहीं है। कैमरा भी अच्छे हैं, डिस्प्ले तो बहुत अच्छी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन कमी सिर्फ यही है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड थोड़ी कम है। हाँ, अपडेट के बाद थोड़ी फास्ट हुई है, लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब 25% अच्छी हो गई है पहले से, मतलब अब 70% काम कर जाती है, 80% ख़राब नहीं रहती, अब 60% तक काम कर जाती है। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को दीजिए बड़ा सा लाइक और आप जाके अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ एक एक्साइटिंग वीडियो में। बाय बाय।